मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत सा सपना, ऊंचे पहाड़ों की वादियों में हो घर अपना। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राफ फरजा द सोलो ट्रैवलर, और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ धनौल्टी। धनौल्टी मसूरी से 57 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। मसूरी से धनौल्टी जा रही हो बाय टैक्सी, और रास्ते में मुझे व्यू दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये व्यू दिखाऊं। यहाँ का टेम्परेचर खुद पे कुछ चेंज हो जाता है, और जितनी आप ऊपर आते जाएंगे इतनी ठंड बढ़ती जाएगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप मसूरी आए तो प्लीज अपने गर्म कपड़े जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। धनौल्टी इज द बेस्ट ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन द प्लेस टर्न इनटू एन आइस ब्लैंकेट विद द फ्लेक्स ऑफ स्नो डिपॉजिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू मैच इट्स ह्यू विद द सराउंडिंग्स। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ धनौल्टी। यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। धनौल्टी इज नॉन फॉर इट्स सीनिक लैंडस्केप एंड नेचुरल ब्यूटी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के इको पार्क में। इसका ओपनिंग टाइम है 8 AM to 6 PM। ये है धनौल्टी का इको पार्क और इसका प्राइस है 50 rupees पर पर्सन। ये है टिकट इसका इको पार्क का। अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे बर्ड्स हैं, काफी अच्छा इको पार्क है। अगर आप धनौल्टी आए तो आप यहाँ पे बैठ के स्टे कर सकते हैं, आराम से पॉल्यूशन फ्री हवा ले सकते हैं, बहुत सुकून की हवा है यहाँ पे। अगर आप विंटर्स में आते हैं तो धनौल्टी में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो आप विंटर भी प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर आना। पर विंटर के सिवा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, ऐसी बात नहीं है। मसूरी अलग ही वैली है, और मसूरी से ऊपर है धनौल्टी जो कि 68 किलोमीटर है, आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। धनौल्टी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा कम होता है और लोग यहाँ पर पीस के लिए आते हैं। यहाँ पर आने का सबसे ज्यादा मजा है सर्दियों में, बर्फ से ढके हुए पहाड़ अलग ही दिखते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सुरकंदा देवी टेम्पल। ये देवी टेम्पल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 91 शक्तिपीठों में से एक है और देवी सुरकंदा को समर्पित है। यहाँ जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। If you are looking for a place to visit in Dhanolti, then explore the ancient ruins of a 16th century grand fort that has well-decorated places adorned with innumerable murals. और अगर आपने कभी आलू यानी पटेटो की खेती नहीं देखी तो आपको यहाँ पर पटेटो फील्ड जरूर विजिट करना चाहिए। The famous potato farm is also known for photogenic sunset. Catch if you can, don't visit. सारे पहाड़ एक से होता है, दो रुकन मानती हूँ, लेकिन ये है कि भाई हर जगह जाना भी कंपलसरी होता है। आप गूगल से या फिर किसी के नज़रिए से कुछ चीज़ नहीं दे सकते जब तक आपने खुद ना घूम लिया, अपना नज़रिया आपको बताना चाहिए। सारे मसूरी के लिए तो एक हमें रेस्टोरेंट दिखा, रेस्टोरेंट का नाम है माउंट व्यू कॉटेज रेस्टोरेंट। बहुत ज़्यादा भूख लगी कुछ खाने का मेरे को। अगर लंच करते हुए ऐसे व्यूज हो तो खाना खाने का अपना ही अलग मजा है। चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ। और फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ मसूरी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ IVY कैफे। काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये कैफे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मसूरी में इतना कुछ नहीं घूमने के लिए। वाटरफॉल है या फिर मसूरी मॉल रोड है। वाटरफॉल भी अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा स्विमिंग करना या कुछ करना तो आप आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर कैफे है और यहाँ पर 4-5 चीजें इनकी दिल्ली की स्पेशल होती हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका नाम है IVY कैफे।
मेरे इस कैफे में खाना खा के बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ के बेक पोटैटो और हॉट चॉकलेट बहुत ज्यादा मस्त। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, मसूरी आए तो इस कैफे में जरूर आए। मैं आपको लोकेशन सेक्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए मैं आपको कहीं और लेकर चलती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कहीं और लेकर चलती हूँ। तब तक के लिए बाय। जब मेरी इन खूबसूरत पहाड़ों से मुलाकात होती है, मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता।